100 जावा प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड प्रेजेंट इन सेंटेंस। मीनिंग क्यों है, किस तरह का एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में कितने वर्ड है अपने को ये पता करना है। तो ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, इसको विद प्रैक्टिकली हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ आई एम प्रोग्रामर। अब यहाँ पर कितने वर्ड है ये अपने को बेसिकली पता करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस से। तो चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे, इसके लिए सिंपली एक लाइन को यूज हम करेंगे। ओके, अब अपने को पता करना है कि यहाँ पर कितने वर्ड है। आई एक वर्ड हो गया, एम एक वर्ड हो गया, एक प्रोग्रामर एक वर्ड हो गया, तो ओवरऑल तीन वर्ड हो गया। इस चीज़ को हमें प्रोग्रामिंग से हेल्प से पता करना है कि कैसे हम अचीव करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जितने स्पेस के बाद जो आ रहा है वो वर्ड है, तो हम क्या करेंगे स्पेस के बेसिस पे हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, और स्प्लिट करने के बाद उसका लेंथ निकालेंगे, तो अपने अपने को नंबर ऑफ वर्ड पता चल जाएगा। जैसे कि हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे str डॉट, और एक स्प्लिट मेथड होता है जिस बेसिस का क्या काम होता है, स्प्लिट कर देता है स्ट्रिंग को। ओके, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे। हमने यहाँ कहा कि जहाँ जहाँ स्पेस हो, स्पेस हो, उसके बेसिस पे इसको स्प्लिट कर दो। उसको स्प्लिट करके इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कंट्रोल वन और एंटर कर देंगे, और सिंपली यहाँ पर दे देंगे एक एरे। अब इस एरे की साइज क्या है ये अपने को पता कर लेंगे, और जो साइज रहेगा वही नंबर ऑफ वर्ड हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ये दे दिया, और लिखेंगे यहाँ पर सिंपली यहाँ देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, देन यहाँ पर पास कर देंगे एरे डॉट लेंथ, दैट्स इट। इतना अपने को काम करना है, और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट कर देंगे, और वेट करेंगे अपनी सक्सेसफुल को आउटपुट को आने के लिए। देखिए नंबर ऑफ वर्ड 3 है, जो कि एकदम करेक्ट है कि यहाँ पर्टिकुलर सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड 3 है। तो हम इसके लिए सिंपली क्या काम किया कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जितने स्पेस है इसके बाद एक वर्ड आ रहा है, हमने स्पेस के बेसिस को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करना उसका लेंथ निकाल लिया, जो उसका लेंथ है वो उसका नंबर ऑफ वर्ड हो गया। तो आई होप आपको इस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम किसी सेंटेंस से नंबर ऑफ वर्ड को काउंट कर सकते हैं।